अडानी ग्रुप के लिए शुक्रवार का दिन खुशियों की सौगात लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद उनके शेयर दौड़ पड़े। पैनल ने कह दिया कि वह समूह के शेयर में तेजी को लेकर किसी तरह के रेगुलेटरी फेलियर की बात नहीं कह सकते। आसान शब्दों में कहें तो जांच में उसे किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब टारगेट करते रहे। एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी की स्पीच लिखने वालों को उनके लिए झूठ की मशीन को चालू रखने की खातिर कुछ और अजीबोगरीब सोचना होगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित की थी। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज A.M. सप्रे ने की थी। इसमें OP भट्ट, KV कामत, नंदन नीलेकड़ी और सोमेश शेखर शामिल थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह में शेयर में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया था। समूह ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह आधारहीन बताया है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।